हे गाइस, सुपर मार्वल की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम की जो हाइप है ना, वो अपनी चरम सीमा पे। और वही यहाँ पे सोनी पिक्चर स्टूडियो के प्रेसिडेंट साहब यानी कि मालिक साहब पेंटिच ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि किस तरीके से आगे चल के जो उनके पास इस वक्त सोनी की स्पाइडर वर्स है ना, किस तरीके से वो क्रॉस ओवर में कनेक्ट होगी हमारे एमसीयू के स्पाइडरमैन से, और क्या कुछ इसके लिए बड़े प्लान्स है। और यही नहीं बल्कि यहाँ पे विलियम डिफो या फिर हम बात करें यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन की, इलेक्ट्रो की, या फिर जितने भी विलन कहा जा रहा है कि इंट्रोड्यूस करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में, किस तरीके से उनका कनेक्शन जो है ना फ्यूचर एमसीयू के स्पाइडरमैन के प्लान्स के लिए और यहां पे सोनी पिक्चर्स की स्पाइडरवर्स के कैरेक्टर्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट होने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक एवेंजर लेवल टीम अप या फिर एक एवेंजर लेवल क्रॉसओवर हमें देखने को मिल सकता है। और इसके जो मेन लीडर्स होने वाला है ना, वो होने वाली है सिनिस्टर सिक्स वाली टीम, क्योंकि यार कितने विलन्स को अभी तक कंफर्म किया आप खुद सोच लो, क्योंकि स्पाइडरमैन होम में कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 6 विलन्स हमें देखने को मिलेंगे। और इन 6 विलन्स का अपीयर होना यहां पे तभी सेंस बनाएगा जब वो किसी बड़ी चीज की तरफ जो है आगे चल के जो है स्पाइडर यूनिवर्स के लिए या फिर स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए जो है वो लीड करे। और यहां पे सोनी पिक्चर्स के प्रेसिडेंट ने यही बात कंफर्म की कि एक बहुत ही बड़ा ऐसा प्लान चल रहा है, एक एवेंजर्स लेवल वाला क्रॉसओवर जो है हम स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से रिलेटेड प्लान कर रहे हैं, जो कि इस वक्त जो है हमें सीक्रेटली इन चीजों पर काम करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से फैंस अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पे गलत नहीं है। और जब वेनम मूवी आएगी तो फैंस को उसे यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम को देखने से पहले बिल्कुल भी उस मूवी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेनम मूवी कहीं ना कहीं हमें एक बहुत ही बड़ा क्लू देगी स्पाइडरमैन के एमसीयू कैरेक्टर से रिलेटेड, या फिर फ्यूचर क्या होने वाला है इन दो कैरेक्टर्स का आगे चल के एक साथ मिलकर, अगर यहाँ पे सोनी स्टूडियोज इनको एक साथ लाने का प्लान कर रही है। और यहाँ पे पेंटिक ने यह भी कहा कि किस तरीके से यहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ा रिवील जो है नो वे होम में देखने को मिलेगा, जहां पे इतने सारे विलन्स अगर हम अभी कहें तो जेफ स्नाइडर ने जो है कोलाइडर वाले पॉडकास्ट पे ये कंफर्म किया कि विलियम डिफो यानी कि नॉर्मन ऑसबोर्न यानी कि ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर जो है वो मेन विलन होने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम का। और यहां पे उन्होंने ये भी कहा जो नो वे होम है ना, वो यहां पे विलन्स को डिनोट करता है। ऑलमोस्ट 6 विलन्स जो होने वाले हैं, जो कि एक तरीके से कह सकते हो कि सिनिस्टर 6 वाली टीम जो फॉर्म हो रही है ना नो वे होम में, वो यहां पे एक इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है कि ये सारे विलन्स फंस जाएंगे यहां पे किस अर्थ पे, जहां पे हमारा मेन स्पाइडी यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला स्पाइडी जो है उसी की अर्थ पे जो है फंस जाएंगे, और यहां पे उन्हें अपने होम में जाने का कोई रास्ता नहीं होगा, जिसके बाद ये भिड़ेंगे आमने सामने सीधा स्पाइडी वाले कैरेक्टर से। और यही यहां पे बेस तैयार करेंगे वेनम के कैरेक्टर के क्रॉसओवर के लिए भी, क्रेविन का कैरेक्टर जिसकी मूवी की अनाउंसमेंट अभी एरन टेलर जॉनसन एज अ मेन लीड उसमें होने वाले हैं, उसकी भी अनाउंसमेंट जो की गई है ना, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे हमारे एमसीयू के स्पाइडरमैन के साथ। और यहां पे उनका ये कहना है कि अभी तो बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कि फैंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, और नो वे होम जो है एक बहुत ही बड़ा लेवल या एक बहुत ही बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म वाली मूवी होने वाली है, जो कि स्टेज सेट करेगी एक बहुत ही बड़े क्रॉसओवर के लिए स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स, चाहे वो मॉर्बियस का कैरेक्टर हो, वेनम का कैरेक्टर हो, क्रेवन का कैरेक्टर हो, या फिर जो है मार्वल के स्पाइडरमैन के विलन्स का एक बहुत ही बड़ा टीम अप हो, उसको ये चीज जो है सेट करने वाली है नो वे होम वाली मूवी और वेनम वाली मूवी। तो यार यहां पे हमें पिक्चर एक बार फिर से क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, जो फैंस चिल्ला रहे थे इतनी देर से कि यार इतने सारे विलन्स का, 6-7 विलन्स का एक मूवी में क्या काम होने वाला है, तो इन सारे 6 विलन्स का मूवी में सेंस तभी बनेगा जब ये किसी स्पाइडरमैन के फ्यूचर से एक बहुत ही बड़ी चीज की तरफ लीड करने वाली हो, यानी कि एक तरीके से एवेंजर्स लेवल का जो है टीम अप या फिर क्रॉसओवर जो अगर हमें देखने को मिल रहा है स्पाइडरमैन कैरेक्टर से रिलेटेड, तभी इन सारे विलन्स का एक साथ इस मूवी में होना जो है वो यहां पे सेंस बनाता है। और किस तरीके से इसका यूज होगा, मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें कोई क्लीन एंडिंग देखने को नहीं मिली है, यह आप याद रखिएगा, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। और यहां पे कहीं ना कहीं जो है ना, मुझे लगता है कि इसकी एंडिंग बिल्कुल वैसी क्लिफ हैंगर वाली होने वाली है जैसा कि हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था, यानी कि एक बिल्कुल सस्पेंस तरीके से खत्म किया जाएगा, जिस तरीके से यहां पे पोस्ट क्रेडिट वाला सीन जो है ना स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का क्लिफ हैंगर के साथ खत्म हुआ था कि अब क्या, अब तो यहां पे पीटर की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, अब आगे क्या, तो यही सेल्फ सेम चीज, इससे भी बड़ी चीज हमें यहां पे स्पाइडरमैन नो वे होम के क्लाइमैक्स में देखने को मिलेगी, जो कि यहां पे सोनी के कैरेक्टर्स और यहां पे स्पाइडी के कैरेक्टर का मर्जर हमें लीड की तरफ जो है लीड कर सकती है आगे चल के एमसीयू में, और इसके सीड्स ऑलरेडी जो है वो बोना शुरू कर देगी स्पाइडरमैन नो वे होम से यहां पे दोनों स्टूडियोज। सो गाइस, आपको क्या लगता है, कितना ज्यादा आप एक्साइटेड हो इस मूवी को लेके, वेनम मूवी को लेके, या फिर स्पाइडरमैन के और कैरेक्टर्स के क्रॉसओवर, या फिर इनको जो है एक साथ देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड
एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और यार अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।